न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने के चलते अन्य प्रांतों में फंसे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होने लगा था, जिसके चलते मजदूर अपने परिवार के सदस्यों का पेट भरने जैसे तैसे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके गांव वापस लौटे। वहीं लगातार मजदूरों की समस्याओं को देख राज्य शासन द्वारा अन्य प्रांतों में फंसे मजदूरों को सुरक्षित घर तक पहुँचाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर वापस लाया गया। साथ ही मजदूरों के लौटने के बाद उन्हें गांव में रोजगार उपलब्ध कराए जाने का दावा भी किया जा रहा है, मगर समय के साथ ही साथ परिस्थिति बदलने लगी। अब रोजगार व आर्थिक संकट से जूझ रहे भूमिहीन मजदूर फिर से पलायन करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के विधानसभा क्षेत्र सक्ती से काम नहीं मिलने के कारण रोजी रोटी की तलाश में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मजबूरी में अन्य प्रांत पलायन कर रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान जा रहे हैं, लेकिन इन ग्रामीणों को पूछने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर सरकार जहाँ मजदूरों किसानों के हित में सैकड़ों योजना चलाने का दावा करती है, उन्हें यहाँ यह सब फेल होते नजर आ रहा है। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में सक्ती से राजस्थान जाने के लिए बस निकले ग्रामीण जांजगीर के चांपा रोड ITI के पास पहुंचे थे कि उनका बस अचानक बीती रात खराब हो गया। ग्रामीण रात भर परिवार सहित वहीं रुके रहे। जब इसकी जानकारी मीडिया को लगी तो मौके पर पहुंचकर SDM जांजगीर को इसकी सूचना दी। तब जाकर पता लग पाया कि ठेकेदार बिना अनुमति के ग्रामीणों को काम दिलवाने के लिए राजस्थान ले जाया जा रहा है। जब ठेकेदार से अनुमति होने की जानकारी मांगी तो किसी प्रकार की अनुमति नहीं होना पाया गया, इसके चलते मजदूरों को पलायन करना पड़ता है। जिले में रबी मौसम में ज्यादातर क्षेत्रफल में खेती भी नहीं होती, इसके कारण मजदूरों को आवश्यकता अनुरूप काम नहीं मिल पाता, इसलिए पलायन उनकी मजबूरी है। जिले के मजदूर हर साल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। जिले में अब फिर से पलायन का दौर शुरू होने लगा है। यहाँ अन्य प्रांतों की बसें मजदूरों को लेने गाँव पहुँच रही है। ऐसी ही खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नवागढ़ राछाबट्टा जांजगीर चांपा से बालेश्वर का सबकी रिपोर्ट। मोहन मोहन जी, कहाँ से आ रहे हो आप? उदयपुर। और क्या करने के लिए आए हो यहाँ? ये लेबर लेने आए थे। हाँ, सक्ती गांव से। कितने लोगों को ले जा रहे हैं? ये होगा 60 पैसे। कहाँ से ले जाओगे? ये यहाँ सक्ती से उदयपुर। क्या करेंगे वहाँ? ईंट का भट्टे होगा। वहाँ परमिशन लिए? एडमिशन तो ठेकेदार के पास है। बनवाई ठेकेदार इधर ही है, इधर शक्ति गांव में ही है। बोला रात को बोला है परमिशन थाने में, बोला वो आपका नाम है अशोक। अभी नहीं आया? हाँ जी, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया, रात से फ़ोन कर रहा हूँ, नहीं आया। वहाँ क्या करते हैं? वहाँ ईंट का ईंट बना दें, ईंट का भट्टा चमनी। अभी आपके पास परमिशन नहीं? परमिशन अभी नहीं है, मतलब सवारी का परमिशन नहीं, बाकी हमारे पास टैक्स वगैरह, गाड़ी का हमारा टैक्स वगैरह सब है। हाँ, मजदूर ले जाने का हमारे पास नहीं। नहीं, नहीं ले जाएंगे, खाली कर दिया हमने। नहीं, हाँ ले जाए वो तो ठेकेदार ने बोला परमिशन बन गया वहाँ थाने में, वो शक्ति थाने में कुछ बोला बनाया पैसा, हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं ले जाएंगे कुछ नहीं, वो तो हमारे पास एक ही रुपया नहीं। सेठ सेठ जाने का फ्री में थोड़ी, सेठ ले, सेठ ने बोला ये पता नहीं हमको, नहीं हमको लेता है वो पता नहीं, सेठ ने लिया वो आगे 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 का ठेकेदार है, ये हम तो ड्राइवर आदमी है। कितना लेते हैं? ये हमको नहीं पता है। वहाँ ले आके क्या करते हैं? ये ईंट भट्टे, ईंटें बनाते हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं, सक्ती से, सोठी से, वार्ड नंबर 2 के हैं। हम लोग कमाने जा रहे हैं और बस बंद हो गया है, और यहाँ तो कुछ काम नहीं है छत्तीसगढ़ में। कोई है जो भी कमा रहे हैं, हमारे से कोई नहीं है यहाँ पे। आप लोग छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा जगह से आ रहे हो गांव से? हाँ। तो वहाँ राशन कार्ड वगैरह खाने पे? राशन कार्ड वगैरह सब है, काम सब मिल रहा है। तो चावल को खाएंगे के कंकड़ खाएंगे? काम नहीं मिलता वहाँ? काम कहाँ मिल रहा है? एक गाड़ी सीमेंट बोल दो या एक गाड़ी छड़ बोल दो, उसके बाद कोई कुछ नहीं है। इसीलिए आप लोग दूसरे गाँव जा रहे हैं? दूसरे गाँव ईंट पथई करने जा रहे हैं, यहाँ राजस्थान पथई करेंगे। उसमें ना अपना जो बच जाता है ना, तो अपना घर उर जो कुछ है ना वो चल जाता है उसमें। कितनी देर रहते हैं? 8 महीना। हाँ बस। हमको जैसी सूचना मिली कि कुछ ग्रामीण जो हैं उन्हें अवैध रूप से राजस्थान की बस द्वारा ले जाया जा रहा है, तो मौके पर पहुँचे और वहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट को भी सूचित किया। लेबर इंस्पेक्टर आए
और उन सबके नाम वगैरह नोट किया है। उनसे पूछा गया कि किसके साथ जा रहे हो, तो वो जो भी दलाल हैं किसी का नाम वो नहीं बता रहे, और वो मीडिया कर्मी और प्रशासन से लगातार दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो उन सबको समझाइश दिया गया है कि वो लोग जो कि पंचायत में कोई सूचना भी नहीं दिए हैं ऐसे नहीं जा सकते, ये इलीगल माइग्रेशन है, और लेबर डिपार्टमेंट को कार्रवाई के लिए भी बोला गया है। साथ ही संबंधित बस वाले को परमिट दिखाने बोला गया, तो उसने कोई परमिट नहीं दिखाया है, तो जब तक वो परमिट नहीं दिखाएगा उसको वहाँ से मूव करने नहीं दिया जाएगा, ऐसा हमने वहाँ इंस्ट्रक्शन दे दिया।